नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पुराने आम के बगीचे में नवीनीकरण के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए देखते हैं। आम के बगीचे में जो 50-60 साल पुराने पेड़ होते हैं, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर प्रोडक्शन भी कम आता है, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा भी ज़्यादा होता है और उस पर लगे हुए आम को निकालने का भी खर्च ज़्यादा लगता है। और ज़्यादा पुराने पेड़ में उसके थड़ के अंदर दीमक भी लग जाते हैं, इसलिए आप पुराने पेड़ को उसके थड़ को छोड़ के उसके ऊपर की सारी डालियां काट लें। काटने के तुरंत बाद आप फंगस की दवाई लगाएं। अगर आप इस तरह से पुराने पेड़ को काटोगे तो पेड़ का वापस अच्छे से ग्रोथ होगा और उसे आप अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं और खर्चा भी कम लगेगा। इसके लिए आपको सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। खेती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल ABC वेस्मा को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज ABC वेस्मा को लाइक करें। धन्यवाद।